हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी टू प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोगों को टैली आरपी 9 के अगले वीडियो में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां बताई जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टैली जो सॉफ्टवेयर है हमारा, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसका यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, अब जो एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है यूज, उसके बारे में नॉलेज हो तो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में जो हमारी जॉब फील्ड है, जो हमारा वर्क है, ऑफिशियल वर्क, वहां पे काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैंने, जैसे कि आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि आप लोगों के लिए सबसे पहले, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो अकाउंट्स की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना आप लोग को बहुत जरूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया था कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें सारा कुछ जो हमारा बेस है वो टोटली अकाउंट है। और यहाँ पे एक बात और मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी कि आप लोग को टैली पे वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा डीपली अकाउंट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप लोग बस बेसिक नॉलेज के साथ भी आप लोग टैली एप्लीकेशन को इजिली हैंडल कर सकते हो। और टैली की एप्लीकेशन की अगर बात करो तो इसे कोई भी सीख सकता हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो या नॉन वर्किंग पर्सन हो, या स्टूडेंट हो, या फिर कोई जो है जॉब वर्क करने वाला हो, या फिर कोई खुद का ही अपना बिजनेस चलाने वाला, या कोई फिर न्यूली एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी के लिए जो है हमारी ये टैली एप्लीकेशन है बहुत ही इजी और रिलायबल है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं, इसके आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं शुरू शुरू करना चाहूंगी अकाउंट्स के साथ में। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकाउंट्स क्या चीज है। सबसे पहले देखते हैं हमारे जो अकाउंट्स है, देख सकते हैं आज फ्रेंड्स मैंने यहाँ अपने स्क्रीन पर, हमारे इस बोर्ड पर मैंने आप लोग के लिए टैली का लोगो भी ओपन कर दिया है, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि आप लोग टैली जब खोलते हो तो हमारा टैली दिखता कैसे। फ्रेंड्स, जब भी आप टैली एप्लीकेशन ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके टैली एप्लीकेशन पे हमारा जो लोगो है, ये कुछ इस तरह से आप लोग के स्क्रीन पर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा टैली एप्लीकेशन जिसमें लिखा है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 जो हमारे इसका क्या कहते हैं वर्जन नेम है। और यहाँ पे ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है प्रेजेंट टाइम में करंटली जीएसटी के साथ में यूज होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें अकाउंट्स के साथ इसको चलना है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अकाउंट्स पे और यहाँ हम अकाउंट्स की कुछ बहुत ही बेसिक बातें हम जानेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका अकाउंट्स, और इसको हम शॉर्ट में कुछ लोग जो है इस तरह भी लिखते हैं अकाउंट, या फिर इस तरह भी लिख सकते हो, वो अपने तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई अकाउंट्स की। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर से इस बार रिपीट करना चाहूंगी, जिससे कि आप लोग की जो है वीडियो की जो कंटिन्यूटी है वो टोटली बनी रहे और आप लोग को समझ में आए कि हम क्या आगे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को हर वीडियो में अपने पिछले वीडियो की कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहूंगी, जिससे कि आप लोग को इजिली आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने समझ में आ गया कि आपको अकाउंट सीखना है, वो भी बेसिक लेवल पे। तो जब बेसिक लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। खाता वो जहां पर हम अपने सारे लेन देन की जानकारी एक साथ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उसे हम बनाकर मेंटेन करके उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डे टू डे लाइफ की, तो हर छोटा बड़ा इंसान हो, जब भी बात पैसों की होती है तो फ्रेंड्स पैसों के मामले में, यानी कि मुद्रा के मामले, यानी कि कैश के मामले, हम जरा सा भी लापरवाही जो है नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि फ्रेंड्स अगर 1 रुपए या 1 पैसे की भी लापरवाही होती है तो हमारा पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। अगर घर में भी हम कोई काम करते हैं, घर से भी हम लोग पैसे अगर खर्च करते हैं, तो उसमें भी हम लोग 1-1 रुपए का हिसाब रखना जरूरी समझते हैं। क्योंकि ऐसे में हमको पता चलता है कि हमने कब कहाँ कितना खर्च किया, और हमारे एंड ऑफ द डे या फिर हमारे पूरे हफ्ते, पूरे महीने में कितना हम लोग को पैसे या कैश की जरूरत एक्चुअली में पड़ती है, और कितने के लिए हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अकाउंट जैसे चीजों को लाया गया, अकाउंट जैसे टॉपिक को लाया गया। और इसके वजह से क्या है कि आज के टाइम में फिलहाल, तो फ्रेंड्स अगर एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जब बात करते हैं अकाउंट्स की ना, तो अकाउंट्स की नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है वो हर इंसान को होती है, बस
वो यहाँ पर अगर बात करें तो कोई भी इंसान इस चीज को बस थोड़ा सा नोटिस नहीं करता, इसीलिए उसको लगता है कि हमारे लिए अकाउंट सीखना मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ अकाउंट सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट से हर कोई जुड़ा हुआ है। कोई भी हो, छोटा बच्चा भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, या कोई काम करने वाला हो, या नॉन वर्किंग पर्सन भी हो, वो भी जो है पैसे का लेन देन करता है, वो भी खर्चों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं लिख कर नोट डाउन करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस वही सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ टैली ERP 9 पे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अच्छे से उसे मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पे आधा काम आपको करना होता है और आधा काम आपका ये टैली एप्लीकेशन कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंट्स का मतलब होता है खाता, और हमारा जो खाता होता है वो पूरे 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई ये आपसे कहे कि खाता अगर 2 प्रकार का होता है तो वो भी गलत नहीं है, और कोई अगर डायरेक्टली आपसे कहता है खाता 3 प्रकार का होता है तो वो भी गलत नहीं है। कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, अकाउंट्स मतलब खाता। अब खाते आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से जो हमारा बेस है वो 2 प्रकार का होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा यही इसके विपरीत इम पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, आप इन दोनों को देख के समझ गए होंगे कि हमारे जो खाता होता है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, वहीं इम्पर्सनल का मतलब होता है जो व्यक्तिगत खाता ना हो। ठीक है, यानी कि जो पर्सनल ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा सा पर्सनल के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल जैसा कि इसका मतलब ही है व्यक्तिगत, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष का जो उसका अपना हो वही पर्सनल कहलाता है। इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि खाते आपके कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली उसे कोई 2 तरह का कहता है, कोई 3 तरह का कहता है। अब 3 तरह का क्यों कहते हैं वो भी आइए जानते हैं। तो उसका कारण ये है, जो हमारे ये इम्पर्सनल अकाउंट है ना फ्रेंड्स, ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरह से, जिसे हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं और नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं क्या कारण है कि हम इसे 3 खाते के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप जानते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा जो अकाउंट है वो 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप के हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। सबसे पहला आपका हो जाता है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर रियल अकाउंट, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। देख सकते हैं फ्रेंड, इन्हीं कारणों की वजह से हम अकाउंट्स को 3 टाइप के कहते हैं, यानी कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहाँ पे हमने इम्पर्सनल ना कह के हमने सीधा सीधा बोल दिया कि जो हमारा अकाउंट्स है वो 3 टाइप का है, यानी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो। अब फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इन सारे अकाउंट्स का मीनिंग, और उसके बाद उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स, उनके रूल्स, और उनके किस तरह से उनका नेचर उनके ट्रांजेक्शन्स में एप्लीकेबल होता है ये समझेंगे। तो आइए चलते हैं, और इसके साथ यही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे अकाउंट्स के टाइप की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इजिली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जो हमारा अकाउंट्स है वो यहाँ पे जो है 3 टाइप्स का होता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम किसी को भी आसानी से, अगर कोई हमसे ये पूछे कि आपका अकाउंट्स कितने टाइप का, तो हम उसे कह सकते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए हमारे 3 टाइप के अकाउंट। आइए इसमें अब हम सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में जानते हैं।
पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है। एक ऐसा व्यक्तिगत खाता जो किसी भी व्यक्ति विशेष का उसका अपना कहलाए, ना कि किसी और के का हो। अब यहाँ पे सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, यानी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी समुदाय का भी हो सकता है, किसी ग्रुप का भी हो सकता है, किसी संस्थान यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, जो भी उसका अपना हो। मतलब व्यक्ति विशेष तो हो पर उसका अपना हो, वही हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी किसी भी वीडियो में जरा सा भी किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आप लोग के उस डाउट्स को क्लियर कर दिया करूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोग को अपने हर वीडियो के थ्रू बहुत ही क्लियरली और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टैली बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो। टैली उन्होंने कहीं कई जगह जाके सीखा तो होगा, लेकिन सीखने के बाद भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होगी कि हाँ उन्हें टैली अच्छे से आ गया हो, टैली में हम काम कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड, तो मेरी पूरी ये कोशिश है कि मैं आप लोग को इतने बेसिक और इतने क्लियर वे में बताऊं, जिससे कि आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए कि हमारे जो टैली है, टैली एप्लीकेशन है, उस पर कैसे वर्क करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आप लोग का अकाउंट्स का टॉपिक चूज किया और उसे मैंने बहुत ही बेसिक और क्लियर तरीके से बताना शुरू किया। फ्रेंड्स, इसका रीजन ये है क्योंकि टैली ओपन करने के बाद आपका अकाउंट्स आपका थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट अकाउंटिंग नॉलेज आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। यही रीजन है फ्रेंड्स कि मैं आप लोग को सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बता रही हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम पर्सनल अकाउंट्स के साथ चलते हैं, आइए कुछ पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब बात हम पर्सनल अकाउंट की करें तो ये किसी पर्सन से रिलेट करता है। जब पर्सन से रिलेट है तो ऑब्वियस किसी पर्सन का तो होगा ही। उसके अलावा हमारे ये क्रेडिटर्स यानी कि हमारे लेनदार, फिर हमारे डेब्टर्स, हमारे कैपिटल, हमारे ड्राइंग्स, बैंक्स, ये सारा कुछ क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो जाता है। यानी कि ये सारा कुछ हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को कुछ यहाँ पे नेम्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने कहा है आपसे पर्सनल, पर्सन पर्सन मतलब कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जिसका वो अपना हो। फिर नेक्स्ट आप लोग को बताया क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, डेब्टर्स यानी कि देने वाला व्यक्ति, देनदार जिसका वो अपना हो, कोई भी लेने वाला हो या कोई भी देने वाला, जो भी इंसान अपने पास से पैसे किसी को दे वो उसका अपना होता है। इसी कारण से हम लोग इन्हें जो है पर्सनल अकाउंट में इनको हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम इनको पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। फिर आपका कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है फ्रेंड्स अकाउंट्स में जो कैपिटल होता है इसका मतलब होता है पूंजी। ठीक है फ्रेंड, पूंजी वो, जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया नया बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो उसमें जो हम पैसे निवेश करते हैं, जो पैसे हम लगाते हैं, उसे हम पूंजी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को यहाँ पे जितने भी मैंने आप लोग को टॉपिक्स लिए हैं उन सबको मैं डिटेल वाइज आप लोग को सारा कुछ थियोरेटिकली भी मैं बताती जाऊंगी, जिससे कि आप लोग का जो टॉपिक है वो एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कैपिटल आपको समझ में आ गया कि ये पूंजी होता है। पूंजी मतलब जो हम अपने बिजनेस में निवेश कर, जो पैसा या कुछ भी रिसोर्सेस हम लगाते हैं उसे हम लोग पूंजी के रूप में देख, यानी कि कैपिटल के रूप में देखते हैं। इसे मैं और आगे चल के मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फिलहाल फ्रेंड्स हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम जो है पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो पहले आप लोग के लिए पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग्स। अब यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं जैसे हम लोग कलाकारी करें, वो नहीं। अकाउंट्स में जो ड्राइंग यूज होता है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम जो है जो चलते हुए बिजनेस से जो पैसे अपने निजी खर्च के लिए निकालते हैं उसे हम लोग ड्राइंग्स के रूप में देखते हैं। उसका कारण यह है फ्रेंड्स, अगर हम लोग उसे मान लीजिए अपने निजी खर्च के लिए चलते हुए बिजनेस से पैसे निकाल, तो उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, कई बार वो हम लोग के लिए लॉस भी हो सकता है, लेकिन हाँ
प्रॉफिट तो नहीं ही हो सकता है, भले एक पल के लिए लॉस ना हो लेकिन प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग सिर्फ ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं और हमने उसका एक अलग ही कैटेगरी बना दी है, ड्रॉइंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स का मतलब होता है चलते हुए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी अपने निजी खर्चों के लिए, निजी जरूरतों के लिए जो पैसे हम विड्रॉ करते हैं, यानी पैसे जो निकालते हैं, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स। बैंक्स आपको पता है, आपका प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। ये क्या है आप लोग के लिए? एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बैंक की बात करूं तो ये आप लोग के लिए एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, संस्थान वो जहां से आप लोग अपना पैसा जमा करते हो, निकालते हो, तो संस्थान अपना एक सर्विस दे रहा है, लेकिन वो भी क्या है, उसका अपना है। इसी वजह से हम लोग बैंक को भी पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने आएंगे जिसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूप में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मैंने थोड़े जल्दी एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप लोग को और भी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में आप लोग को बताती जाऊंगी। तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स की। आइए अब इसके रूल के बारे में जानते हैं। तो जो हमारे इसका रूल है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सोच रहे कि हमारे अकाउंट्स में रूल का क्या मतलब है, रूल का क्या यूज है? तो फ्रेंड्स, रूल का हमारे अकाउंट्स में बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका कारण ये है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, यानी हम लेन देन की बात करते हैं, तो हमें वहां पर कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम जब लेन देन करते हैं तो यहाँ पे दो पार्टी की बात होती है, एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम कोई रूल ना हो सेट, तो क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, जिससे कि पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कई बार उसकी वजह से लॉस भी होता है और कई बार तो झगड़े तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में सिचुएशन जो है बहुत ही, क्या कह सकते हैं, वर्स कह सकते हैं। ऐसे में हम लोग के लिए रूल्स होना जरूरी है फ्रेंड्स। बात अगर हम रूल्स की करें तो आप जानते हो हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा चीज नहीं जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन ना हो, तो फिर हमारे ये अकाउंट्स भला बिना रूल के कैसे रह सकता है? इसीलिए रूल का होना तो बहुत जरूरी है। अब वो रूल क्या है आइए समझते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसका रूल कहता क्या है यहाँ पर? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसे हम लोग रूल कहते हैं। और इसी रूल को अकाउंट्स में हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब ये है, जैसे कि डेबिट यानी कि जो पैसा हम प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो फ्रेंड्स इससे पहले जब मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया तो उसमें भी मैंने आप लोग को याद होगा मैंने डेबिटर्स और क्रेडिटर्स को मेंशन किया था, वो दोनों वर्ड्स इन्हीं से आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग को डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। डेबिट का मतलब होता है प्राप्त करना और क्रेडिट का मतलब होता है देना, यानी जो आपके पास आता है वो डेबिट होता है और जो आपके पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। फ्रेंड्स अक्सर इस डेबिट क्रेडिट में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को समझ में नहीं आता। और एक बात और ख्याल रखिएगा, जब भी आप अकाउंट में आप अकाउंटिंग को मेंशन करते हैं, ऐसा सिचुएशन में जो डेबिट है वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो क्रेडिट है वो हमेशा आपके राइट साइड आता है। यानी कि जो पैसे हम प्राप्त करते हैं उसे लेफ्ट साइड में शो कराते हैं और जो पैसे हम किसी को देते हैं वो हम उसको जो है राइट साइड में शो कराते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया हो। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर कहता क्या है कि हमने जो पैसे प्राप्त किए उसके लिए हम डेबिट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बात पर्सनल अकाउंट की कर रहे हैं। ओके, यानी कि पर्सन जिसका वो अपना हो, तो यहाँ पे ये मेरी एंट्री बुक है, मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है और मैं अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बुक में मैं ये सारा कुछ मेंशन कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो पैसा आया, अगर पैसा मेरे पास आ रहा है तो मैं डेबिट हो रही हूँ। और यही जो है अगर बात करें क्रेडिट की, तो जब पैसा हमारे पास से जा रहा होता है, यानी कि जैसा कि यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट द गिवर, जब पैसा हमारे पास से जा रहा होता है तो हम क्रेडिट कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो।
और ये जो डेबिट क्रेडिट होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा आपस में को रिलेटेड होता है। को रिलेटेड का कारण क्या है फ्रेंड्स? लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन। क्योंकि एक बंदा अगर पाएगा तभी तो दूसरा बंदा जो है उसको देगा, अगर कोई देगा ही नहीं तो अगला उससे प्राप्त कैसे करे। सिंपल सा फंडा है। इसी चीज को आप लोग को पूरे अकाउंट के दौरान दिमाग में रखना है और समझना है। यानी कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है आपस में क्या है, ये दोनों को रिलेटेड है। यानी कि अगर हम जो है प्राप्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई हमें दे रहा है, और अगर हम अगला बंदा प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब ये हम उसको दे रहे हैं, और तब वहां पे हम डेबिट या क्रेडिट के रूप में दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है ये जो आपका रूल है ये टोटली पर्सनल होना चाहिए, यानी कि पर्सन से रिलेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका गोल्डन रूल। फ्रेंड्स, इसे मैंने गोल्डन रूल इसलिए कहा क्योंकि अकाउंट्स जो है आपका पूरा का पूरा इन्हीं रूल्स के ऊपर जो टोटली बेस्ड होता है, हमारा पूरा अकाउंट जो इन्हीं के ऊपर जो है चलता है, इसी वजह से हम इन्हें गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसका गोल्डन रूल। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपने ट्रांजेक्शन्स में, अपने ट्रांजेक्शन्स के नेचर के थ्रू आप समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए दिए। अब इसमें जो व्यक्ति ए है या व्यक्ति बी है, उसमें से कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, यही आप लोग को जानना है और समझना है। इसी के थ्रू आप इस तरह के एग्जाम्पल से इस रूल को फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे, और साथ ही साथ आप इसके नेचर को देखोगे कि आपका पर्सनल अकाउंट है भी या नहीं। और अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो इस पे पर्सनल अकाउंट का ही गोल्डन रूल जो है अप्लाई होगा, ना कि किसी और के अकाउंट का रूल इस पर अप्लाई हो। आइए जानते हैं कैसे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मोहन नाम का व्यक्ति है। मोहन ₹5,000 गिवन टू रोहित। मतलब मोहन नाम का व्यक्ति है जिसने रोहित नाम के व्यक्ति को पूरे 5,000 रुपए दिए। अब इसमें आप लोग को ये पता करना है, सबसे पहले तो ये जानना है कि आपका ये पर्सनल अकाउंट है क्या नहीं, और फिर उसके बाद आपको उसमें देखना है कि अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो इस पे किस तरह से हमारा रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है फिर, तो जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया था पर्सनल अकाउंट के बारे में, पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी पर्सन से रिलेट करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, और इसका मेन बेस ये होता है कि पर्सनल अकाउंट जो है किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका अपना हो तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो नामों का इस्तेमाल किया है, एक मोहन और दूसरा रोहित। मोहन नाम का व्यक्ति और रोहित नाम का व्यक्ति, ये दोनों के दोनों क्या करें, इन दोनों के बीच में आपस में पैसों का लेन देन हो रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जब पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूरी है कि कौन जो है डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। लेकिन वो जानने के लिए हमें हमें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि ये पर्सनल अकाउंट है भी या नहीं। तो देख सकते हो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा यहाँ दो नामों का इस्तेमाल हुआ, यानी कि दो अलग अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला व्यक्ति है मोहन और दूसरा व्यक्ति है रोहित, जो कि मोहन नाम का व्यक्ति रोहित नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपए दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जो है पैसा दे रहा है और रोहित जो है पैसा प्राप्त कर रहा है। अब फ्रेंड ये दोनों क्या हो गए आपके, व्यक्ति हो गए, व्यक्ति विशेष हो गए, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष यहाँ पे मैंने इनका जो है एज अ पर्सन मैंने इन लोगों का यूज किया। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल में कि पर्सन नेम भी हो सकता है जिसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने पर्सन नेम यहाँ पे जैसा कि साफ साफ शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की बात करें।
अब आते हैं इसका ट्रांजैक्शन हम कैसे शो कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसका ट्रांजैक्शन शो कराना हो तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआती दौर में बताया कि जो आपका डेबिट होता है और जो आपका क्रेडिट होता है उसका लिखने का तरीका। सपोज दैट हमने डेबिट, सबसे पहले अपने अकाउंटिंग बुक में हमने यहाँ पर डेबिट को मेंशन कर लिया, शॉर्ट में हमने यहाँ पर डीआर लिख लिया। देन उसके जस्ट राइट साइड में हमने क्रेडिट यानी कि सीआर को हमने मेंशन कर लिया, यानी कि हमने सबसे पहले डेबिट क्रेडिट यहाँ पे शो करा लिया। अब इनके सामने हमारा जो अमाउंट है यानी कि 5,000 रुपए, ये अमाउंट, इस अमाउंट को हमें इनके सामने यहाँ पे शो कराना है इस तरह से, 5,000। 5,000 फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसलिए शो कराना है क्योंकि जितना पैसा हम दे रहे हैं उतना ही पैसा, उतना ही अमाउंट अगला व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, यानी कि अगला व्यक्ति ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इतना तो आपने लिख लिया। उसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको रूल सेट करना है, रूल सेट करने में अक्सर आप कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ध्यान दीजिए फ्रेंड। मोहन नाम का व्यक्ति रोहित नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपए दे रहा है, यानी कि मोहन के पास से पैसा जा रहा है। और जो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो डेबिट है वो रिसीव कर रहा है, रिसीव करने वाला कौन है, ये रोहित नाम का व्यक्ति है। तो जो रोहित नाम का व्यक्ति उसको हम यहाँ पे डेबिट के सामने लिख लेंगे इस तरह से। और जो हमारे ये मोहन नाम का व्यक्ति है इसको हम क्रेडिट के सामने इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना इजी था आप लोग का ये ट्रांजैक्शन फॉर्म्स में इसको जो है उतारना। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये पर्सनल अकाउंट समझ में आ। इसी तरह के आप लोग के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के जो है एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज आप लोगों को मैं कराऊंगी अपने हर एक वीडियोस में, जिससे कि आप लोग का डे बाय डे आप लोग का अकाउंटिंग का जो है वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आई होप फ्रेंड्स आज आपको मेरे इस वीडियो में पर्सनल अकाउंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। इन केस अगर पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट में जरा से भी आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड जय हिंद।